हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल रॉक स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किंडरगार्टन के बच्चों के लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ, जिसमें कि मुझे एक A4 साइज़ की शीट की ज़रूरत है एंड शॉर्पनर की ज़रूरत है एंड दिस ब्राउन कलर पेन, पेंसिल, ग्लू एंड वी नीड सब स्टिकर्स एंड दिस मैच बॉक्स। तो होप सो लॉकडाउन के टाइम में ये सब चीज़ें आपके अवेलेबल होगी। तो अब हम एक्टिविटी वाली स्टार्ट करते हैं एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, ये जो मैं एक्टिविटी लेके आई हूँ ये किंडरगार्टन के बच्चों के लिए है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वेस्ट मटेरियल से बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। एंड सेकेंडरी आपने देख ये किंडरगार्टन के बच्चों को घर के लिए काफ़ी एक्टिविटी दी जाती है और उसमें सभी जानते हैं बच्चे तो उसमें क्या करते होंगे, पेरेंट्स ही वो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए काफ़ी आइडियाज़ लेके आई हूँ। जैसे बच्चों को दिया जाता है कि कुछ भी आप अपने इंटरेस्ट से कोई भी मतलब कुछ भी ड्राइंग बना के लाइए, कुछ भी एक्टिविटी करके लाइए। तो इसी से रिलेटेड आज की मेरी ये एक्टिविटी है। अब जैसे पेंसिल आप कभी भी शॉर्प करते हैं, इसमें जो भी वेस्ट आपका निकलता है उससे ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होगी। अब ऐसे ही हम 4, 5, 5 और 6, 1 और ऐसे ही हम इसे लाइक दिस फ्लावर बनाएंगे हम और इस फ्लावर को हम ग्लू के थ्रू पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही मैं 1, 2, 3, 4, 5 फ्लावर्स बनाऊंगी जो कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे बच्चों से पेस्टिंग आप करा सकते हैं, बिकॉज पेंसिल की शॉर्प करवा लीजिए बच्चों से और फिर ये आप पेस्टिंग फ्लावर्स के राउंड शेप में कर दीजिए। ये बहुत और आई होप कि लॉकडाउन में आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होगी एंड देन हम इनकी फ्लावर्स की ब्रांच बना देते हैं जो कि एक फ्लावर पॉट के थ्रू ज्वाइंट होगी। आप ये सब किंडरगार्टन के बच्चों से करवा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी थिंग एंड बहुत ही इजी है। एंड देन इफ़ यू हैव अ स्टिकर्स, जो भी आपके पास स्टिकर्स हो वो आप बच्चों से स्टिक करवा सकते हैं। इट इज़ लाइक जो स्टिकर्स है, स्टिकर्स की पेस्टिंग इसलिए भी कराई जाती है बिकॉज इट्स गुड फॉर फाइन मोटर स्किल्स। एंड यहाँ तो बच्चों को फ्लावर्स को डेकोरेट करने को मिल रहा है तो वो ज़रूर डेकोरेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में आप उनसे पेस्टिंग करवाइए, बिल्कुल सेंटर में आप पेस्टिंग करेंगे। हाँ, जैसे कि आपके फ्लावर्स एंड आप चाहे तो ये डेकोरेशन आप इन पे भी कर सकते हैं। और स्टिकी इसलिए ज़रूरी होते हैं, आप देखे भी अगर आप जब भी आप कोई भी स्टिकर लगाते हैं एंड उसे स्टिक तो आपकी ये वाली फिंगर्स यूज होती है और ये ही फिंगर से आप की जो है ग्रिपिंग भी अच्छी होती है तो इससे बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी होगी। एंड इस टाइम बच्चे काफ़ी फ्री है और आपको घर के लिए भी एक्टिविटी दी जाती है कि बच्चे डेकोरेशन करें, ये करें, वो करें। तो अब इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बच्चों को घर में ही ये डेकोरेशन करने को दिए एंड इट्स अ वेरी इजी और घर में भी ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप बच्चों को ये करवा सकते हैं और बच्चों के घर बाहर स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जैसे डेकोरेशन करते हैं कि बच्चे कुछ भी डेकोरेट करके आए डेकोरेटिव आइटम्स के लिए और इसमें आप बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। ऐसे ही आप डेकोरेट कर सकते हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों की वर्कबुक में कुछ भी मटेरियल्स होते हैं कि आप इस मटेरियल को यूज़ करें तो आप कुछ अदर मटेरियल से भी ये डेकोरेट कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे एक फ्लावर पॉट बनाएंगे तो हम यहाँ पे एक पॉट के डायरेक्शन में ग्लू लगा लेंगे, पूरा उसमें ग्लू ग्लू करके फिर हम उसको चिपकाएंगे। स्टिक्स लेंगे, आपके पास स्टिक्स तो होगी घर पे, मैच स्टिक्स। ये मैच स्टिक्स आप यहाँ पे करके ये मैं ऐसे आप इसको स्टिक करेंगे। ये देखिए हमने स्टिक्स लगा ली है और इसके अकॉर्डिंग हमने डेकोरेट भी कर दिया है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स चाहते हैं तो एक और फ्लावर्स करके उसके एक्स्ट्रा कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको मैट की तरह भी इसको लैमिनेट करा के बच्चों के लिए स्कूलों में जैसे हम लोग करते हैं तो बच्चों को कुछ भी हम घर में कुछ ना कुछ बनाने के लिए दे देते हैं और उसी को हम लैमिनेट करके उनको एक मैट की तरह, फूड मैट की तरह यूज़ करते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं घर में बच्चों के लिए। और इसी की तरह आप यहाँ पे जो
यहाँ पे स्पार्कल से राउंड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को लैमिनेट करा सकते हैं। एंड घर पे भी अगर बच्चों को प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता, वैसे भी आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। आई होप ये एक्टिविटी आपको पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।